72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कमिश्नरी में तिरंगा फहराया तथा कमिश्नरी के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने गोरखपुर मंडल के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी तथा कहा कि कोरोना जैसी महामारी के बाद सभी लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर सभी लोगों को शपथ लेना चाहिए कि देश हित में कार्य करके देश को आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल गाए, जय हे जय 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 माता की धन। अब मैं 72वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं और आयुक्त महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमें भारतीय गणतंत्र का संकल्प दिलाएं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने में दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के 72वें आयोजन के अवसर पर उपस्थित अपर आयुक्त प्रशासन, अपर आयुक्त जुडिशियल द्वय, JDC, अन्य अधिकारीगण एवं कार्मिकगण, जब गणतंत्र दिवस की बात होती है तो संविधान और संवैधानिक मूल्यों का मनन करना, स्मरण करना स्वाभाविक है। और संवैधानिक मूल्य क्या है, संविधान की जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें वो अंकित है, जिसे हम प्रीएम्बल भी बोलते हैं। और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो उन मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कराए। और ये अनुपालन हम सभी कार्मिक गणों को अपने ऑफिशियल दायित्व के साथ साथ अपने डे टू डे लाइफ के जीवन यापन में भी उतारना है। दो तीन बिंदु है जो मैं कमिश्नरी ऑफिस के हमारे परिवार के समस्त कार्मिक गणों को कहना चाहूँगा, और ये मैं शायद हर अवसर पर कहता हूँ फिर भी कहना चाहूँगा। हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, प्रदत्त किए हैं। और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं। अंतर इतना है कि मौलिक अधिकार के लिए आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और मौलिक कर्तव्य के लिए ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो कर्तव्य है और वो अधिकार है। अनुरूप
प्रथम ये है कि हमारे मौलिक कर्तव्यों को प्रथम तो हम जानें, अधिकार के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों को जानें और उन कर्तव्यों का निर्वाह उसी प्रभावशीलता के साथ करने का प्रयास करें जिस प्रभावशीलता से हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। नंबर दो, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान अडॉप्ट किया। संविधान के बारे में कुछ कहना 72वें गणतंत्र दिवस पर आप जरूरी नहीं हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि यही एक संविधान है और यूनिक संविधान है, जो लिखित भी है, मौखिक भी है, जिसमें संवैधानिक परंपराओं की का भी अंतर्भूत किया गया है। हमारे ही पड़ोसी देश इसके साथ जो आज़ाद हुए वहाँ पर 4, 5, 6 बार संविधान बदले गए, लेकिन भारत का संविधान विश्व का बृहत्तम जनसंख्या के दृष्टिकोण से राष्ट्र होने के बावजूद भी हमारा संविधान अक्षुण है और उसके सारे मूल्यों का पालन हो रहा है, और इसी अनोखेपन की वजह से हमारा भारतीय संविधान अनोखा है। किंतु कार्मिक गणों से मैं कहना चाहूँगा कि कई बार हमारे मन में ये आता है कि हमें जितना हम कार्य करते हैं उसके विनिमय में उतना वेतन नहीं मिलता, उतनी सुविधाएं नहीं मिलती, सरकार मुझे ये नहीं देती, सरकार मुझे ये नहीं देती। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप वो कुछ प्रतिशत लोग हैं इस 135 करोड़ की जनसंख्या में, या प्रदेश की बात करें तो 24 करोड़ की जनसंख्या में, जिन्हें डायरेक्टली सरकार की सेवा में लिया गया है और जिन्हें डायरेक्टली जनता की सेवा से संयोजित किया गया है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और ये एक गर्व का भी विषय होना चाहिए। जीवन का एक अनूठा नियम है कि यहाँ पर जो भी सबसे कीमती चीजें हैं वो उनका मूल्य नहीं आंका जा सकता। और ये भी एक ऐसी चीज है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की यदि आप सेवा में हैं और आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है, वो चाहे कोई भी स्तर क्यों ना हो, वो मेरे अर्दली से लेके मैं खुद क्यों ना हूं, ये गर्व का विषय है। और इस गर्व की अनुभूति के साथ साथ हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह निर्भीक रूप से, निष्पक्ष रूप से, ईमानदारी से, प्रभावी रूप से और गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ करना है। ये 5 चीज़ें जो मैंने कही हैं, मुझे आशा है कि आज के दिन ये आप फिर शपथ लेंगे। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, क्यों ये राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं? और ये 3री चीज़, ये दिवस एक अवसर होते हैं कि हम अपने अंतर में झांकें और अपने आप से पूछें कि क्या मैंने देश के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, राज्य के प्रति मेरा कर्तव्य है, क्या मैं उसका निर्वाह कर रहा हूँ या सिर्फ मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में लगा हुआ। और आशा करते हैं कि ये अवसर आज जो 72वां गणतंत्र दिवस का हम आयोजन कर रहे हैं, आप सभी, मैं भी अपने अंतर में भले ही 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट झांक के अपने से ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या हम संवैधानिक मूल्यों का निर्वाह कर रहे हैं, क्या हम वह सब कुछ कर रहे हैं जिससे कि हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र होगा। और लास्ट में मैं फिर से आपसे यही कहना चाहूंगा, जो जेएफ केनेडी एक अमेरिका के बहुत फेमस प्रेसिडेंट हुए हैं और ये बड़ा मेरा फेवरेट कोट है, मैं पहले इंग्लिश में उसको कहना चाहूंगा कि डोंट आस्क द कंट्री व्हाट इट कैन डू फॉर यू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। आप राष्ट्र से ना पूछें कि राष्ट्र मेरे लिए क्या कर सकता है, क्या वो मेरी सैलरी बढ़ा सकता है, क्या वो मुझे ये सुविधाएं दे सकता है, क्या मुझे और अच्छी गाड़ी दे सकता है, बट आप अपने आप से पूछें कि आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। और मैं मानता हूं और मेरा परम विश्वास है कि जब एक एक नागरिक, 24 करोड़ इस प्रदेश की जनता और 130 करोड़ से ज्यादा का जनमानस इस राष्ट्र का, जब इस भाव के साथ आगे बढ़ेगा कि मैं राष्ट्र के लिए क्या कर पा रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ और क्या कर सका, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि हमारे संविधान के निर्माता, संविधान के प्रणेता को हम सब पर गर्व होगा और राष्ट्र एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगा। पुनः आप सभी को, आपके परिवार को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि हम
देखिए आज 72वें गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले हमारे मंडल के चारों जनपदों के जनमानस को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये गर्व का विषय है कि आज हम सम्मान के साथ, गर्व के साथ कोरोना पैंडेमिक से प्रभावी रूप से लड़ते हुए 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत आज अपने देश के जनमानस को ही नहीं बट अभी तो विश्व के जनमानस को वैक्सीन दे के एक संदेश वसुधैव कुटुंबकम का दे रहा है। आशा करते हैं कि हमारे समस्त कार्मिकगण, सभी वर्गों के जनमानस संवैधानिक मूल्यों को अपने ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र को एक अग्रणी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाके रखेंगे, यही आशा है। पुनश्च 72वें गणतंत्र दिवस पर मेरी शुभकामनाएं।